हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आपको फेसबुक मैसेंजर में किसी भी अकाउंट को या फिर किसी भी चैट्स को आर्चीव मोड में कैसे सेंड करना है। मतलब आप किसी भी अकाउंट को आर्चीव मोड में सेंड कर सकते हो बहुत ही इजीली। फुल स्टेप बताऊंगा, कम्प्लीटली प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, तभी आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आप भी आसानी से कर पाएंगे। तो गाइस, मैं सिंपल साइड में स्क्रीन शो करता हूँ, प्लीज आप वहाँ पे ध्यान दीजिए। तो गाइस, अब यहाँ पे आप देख सकते हो फेसबुक मैसेंजर ओपन हो चुका है। यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। सिंपली आपको करना क्या है, जो भी चैट्स को या फिर जो भी अकाउंट्स को आपको आर्चीव मोड में सेंड करना है, सिंपली उस अकाउंट पे लॉन्ग प्रेस कर देना है। जब आप प्रेस करते हो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको शो करता है, जिसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है आर्चीव। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आर्चीव करके, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। तो गाइस, जब आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आर्चीव मोड में सेंड हो चुका होगा बहुत ही इजीली। आप उसको रिमूव भी करना चाहते हो तो मैं आपको वही बता देता हूँ कि कैसे आपको रिमूव करना है। तो गाइस, आपको सिंपली करना क्या है, अपने प्रोफाइल सेक्शन में आ जाना है, जो कि लेफ्ट कॉर्नर में। सबसे आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलता है, सबसे ऊपर डार्क मोड, मैसेज रिक्वेस्ट, और साथ ही आपको एक ऑप्शन मिलता है आर्चीव चैट। तो गाइस, सिंपली इस पे आप जब क्लिक करेंगे, जो भी आपके मैसेंजर अकाउंट में जितने लोगों को आपने आर्चीव मोड में सेंड करा होगा, आर्चीव करा होगा, तो आपको यहाँ पे सब अकाउंट शो हो जाएगा, सब चैट शो हो जाएंगे। तो गाइस, सिंपली आपको करना क्या है, मूव करने के लिए आर्चीव मोड से आपको हटाने के लिए करना कि सिंपली दोबारा उसी अकाउंट पे आपको टाइटल लॉन्ग प्रेस कर देना है। जब प्रेस करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जिस तरह आपने पहले आर्चीव करा था, उसी तरह आप को अब यहाँ पे अन आर्चीव पे क्लिक करते हैं। जब आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आर्चीव मोड से अन आर्चीव मोड में चला जाता है। मतलब आप इजीली चेकआउट कर पाएंगे अपने मैसेंजर के होम पेज पर ही। मतलब आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, आप इजीली हटा सकते हो कुछ इसी तरीके से मैसेंजर एप्लीकेशन में किसी भी अकाउंट को, अगर आपने आर्चीव मोड में कर दिया है। अगर आपको आर्चीव मोड में सेंड करना है तो आप इजीली इसी तरीके से सेंड कर सकते हो या इसी तरीके से आप हटा भी सकते हो। तो गाइस, मैंने आपको फुल डिटेल दे दिया कि कैसे आपको कम्प्लीटली प्रोसेस करना है, कैसे आपको आर्चीव मोड में कोई सा भी अकाउंट को डालना है या फिर आर्चीव मोड में कोई सा मैसेंजर सेंड करना है। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से मदद मिली हो, तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि हम आप सभी के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए कुछ इसी तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहते हैं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।